सब्सक्राइब कीजिए बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल और आज हम बात करेंगे एक सैमसंग सेट के बारे में। और ये सैमसंग का जो मॉडल है ये है GTE 1200T, मतलब 1200T, ठीक है। और इस सेट में जो प्रॉब्लम है, इसमें बोट शॉर्ट है। ये सेट जो है फिलहाल डेट है और ये बोर्ड जो है वो फुल तरीके से शॉर्ट है। तो मेरे चैनल में मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ सैमसंग इसी सेट के बारे में कि आपको बोर्ड शॉर्ट कैसे जो है यहाँ पे निकालना है। तो उससे भी ये जो सोल्यूशन मैंने दिखाया वो अलग है, ठीक है। तो मैं आपको इस सेट में डिटेल्स में दिखाऊँगा कि आपको कौन कौन सा जो है कैपेसिटर और कौन कौन सा कॉम्पोनेंट आपको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा और आपका जो है ये 1200T जो होता है इसी में से जो है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इस सेट जो है वो फुल शॉट है या नहीं, उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, फुल शॉट को यहाँ पे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको यहाँ पे जो है बाजार मोड में रखना पड़ेगा, ठीक है। और दोनों आपको यहाँ पे वायर को टच करेंगे तो ऐसे कॉन्टिन्यूटी आवाज़ होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ऐसे साउंड आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो सेट है वो फुल शॉट है। तो चलिए हम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो बैटरी का जो कनेक्टर का जो इस साइड है ये पॉजिटिव है और ये जो है वो नेगेटिव है। तो चलिए मैं पहले आपको यहाँ पे दोनों पे टच करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आ रहा है, इसके मतलब ये हो रहा है कि ये जो सेट है वो फुल शॉट है। अगर कोई भी सेट फुल शॉट होगा तो वह ऑन नहीं होगा, वो डेड होगा, है ना। और इस डेड को और इस सेट को रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर जो शॉट है अगर हम इसको रिपेयर कर देंगे तो फिर आपका सेट जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है ना। तो हम चलिए इसको पहले मैं रिमूव कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सा जो आपको कंपोनेंट है, कौन कौन सा आपका यहाँ पे कैपेसिटर है जो आपको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो होता है, देखिए मैं पहले आपको यहाँ पर बेसिकली समझा रहा हूँ कि आपको कौन कौन सा कॉम्पोनेंट यहाँ पर रिमूव करके आपको चेक करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इस सेट के बारे में बताऊँगा इसको कौन सा जो है आपको यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, आप एक बैटरी लीजिए, नहीं तो फिर अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप बैटरी में एक ऐसे लगाइए, ठीक है, ऐसे बनाइए। बनाने के बाद क्या कीजिए, आप प्लस में प्लस लगाइए और इसमें माइनस में माइनस लगाइए, ठीक है। उसके बाद जब सेट जब शॉर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी पार्ट जो भी कॉम्पोनेंट शॉर्ट होगा वो क्या होगा, हीटिंग होना चालू कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा जो कौन सा कॉम्पोनेंट है वो हीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे लगा कर आप ऐसे टच करके जो है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और नहीं, अगर नहीं हीट हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कुछ बेसिक फंडा होता है, इसी में से जो है आपका जो सेट है वो बोर्ड शॉर्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस दिख रहा है, उसके बाद दो कैपेसिटर दिख रहा है। तो ये जो पहले वाला जो इधर साइड का जो पहले वाला कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर आप एक बार रिमूव कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो निकाला हुआ है, तो कहीं पे यहाँ पे दिखाया था, पता नहीं क्या हुआ वो हुआ नहीं कर पाया। देखिए इन दोनों कैपेसिटर को आप रिमूव कीजिए, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पे ये आपका पीए है, नेटवर्क आईसी है, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर होता है, ये नेटवर्क कंट्रोलर होता है। अब इसको भी रिमूव करके देखिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक होता है ये, आप इसको भी रिमूव करके चेक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर है, उसके बाजू में ये यहाँ पे एक कैपेसिटर होता है, आप इसको भी रिमूव करके जो है वो चेक कर सकते हो। और एक फंडा है मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि आप मल्टीमीटर को रखिए, ठीक है, कोई भी सेट हो, सिर्फ इस सेट के लिए ऐसा फंडा है, ऐसा नहीं है। आप खुद ही ढूंढ सकते हो कहाँ पर जो कौन सा कॉम्पोनेंट जो है वो शॉर्टिंग है और आप खुद ही जो है आप कोई भी सेट का बोर्ड शॉर्ट आप रिमूव कर सकते हो। कैसे कर, तो आप कैसे करेंगे वो, तो मल्टीमीटर को आप बाजार मोड में रखिए और एक वायर रेड हो चाहे ब्लैक हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप पॉजिटिव में रखिए, ठीक है। मतलब बैटरी टर्मिनल का जो प्लस पॉइंट है आप वहाँ पर रखिए। और जो आपके यहाँ पे जो ऐसे तरीके का जो कैपेसिटर दिखता है आपको, ज़्यादातर ये वाला ही होता है और ऐसे जो देखिए दिख रहा है आपको, इसको कैपेसिटर बोलता है, ठीक है, उसको आप चेक कीजिए, ठीक है। और पहले आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए बैटरी का जो पॉजिटिव होता है इस सेक्शन में, मतलब इस बैटरी पॉजिटिव में जितना भी आपका यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ होगा, अब उसको पहले चेक कीजिए, ठीक है, कौन सा वाला शॉर्ट है, हो सकता है उससे भी आपको जो है वो रिमूव हो सकता है शॉर्टिंग। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, हाजी साहब,
देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप बैटरी पॉजिटिव में रखिए जो मैं आपको समझा रहा जा रहा हूँ। और देखिए जो आपको कैपेसिटर लगे कि वो शॉर्ट है या फिर आपको जो भी कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, आप उसको पहले ऐसे लगाइए, ठीक है। अगर कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है, ऐसे लगाना है आपको। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको इधर भी लगाना है, ठीक है। इधर इधर कंटिन्यूटी आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा है, इसके मतलब जो है ये कैपेसिटर ख़राब नहीं है, ठीक है। अगर दोनों तरफ कंटिन्यूटी आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको रिमूव करके जो है वो आप देख सकते हो। देखिए इधर भी आ रहा है और इधर इधर नहीं आ रहा है। तो देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था इसको, तो देखिए ये इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, इसको मतलब ये ख़राब है ऐसा नहीं है। आप इसको रिमूव करके जो है वो आप देख सकते हो, इसको हटाइए मत, इसको इसको आप थोड़ा सा रिमूव कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो कंटिन्यूटी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको हल्का सा मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँगा एक साइड, ठीक है। उसके बाद मैं इसको चेक करूँगा। तो देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको ऐसे करके मैं रिमूव कर रहा हूँ, वन साइड को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैंने एक साइड यहाँ पे हटा दिया, एक साइड को मैंने रिमूव कर दिया, और उसके बाद मैं आप यहाँ पे चेक करूँगा कि बोर्ड शॉर्ट जो है वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नहीं जाएगा शायद इस सेट के लिए, क्योंकि इसमें मुझे पता है कौन सा वाला शॉर्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे भी एक होगा, तो आपको ऐसे करके जो है वो चेक करना पड़ेगा। अब बेसिकली मैंने इस सेट के लिए तो मैंने आपको जो जो दिखाया था, इसको पहले इसको यहाँ पे दो होता है, इसके बाद ये एक होता है, इसको यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसको और इसको भी आप रिमूव करके देख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो अगर बोर्ड को आप इधर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा हुआ होता है कैपेसिटर, कुछ कंपोनेंट होता है, तो आपको यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस साइड में जो फिलहाल प्रॉब्लम है इस कैपेसिटर के लिए हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहले वाला जो कैपेसिटर है ना यहाँ पे, इसके लिए हो रहा है। देखिए मैंने जो आपको बताया था जो कंपोनेंट शॉर्टिंग होता है वो हीट होता है, तो मैं आपको वो प्रैक्टिकली यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको लगा देता हूँ, तो इसको आप नेगेटिव जो है आप इसको यहाँ पे लगाइए और उसके बाद पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगाइए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पे घुमाएंगे, ठीक है, देखिए ये जो पार्ट हो रहा है ना हीट हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे पेस्ट डाल दूँगा, तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो, देखिए तो ये जो पार्ट है ना वो देखिए यहाँ से निकल रहा है कुछ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये कंपोनेंट है वो हीट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जस्ट इसको जो है यहाँ पे रिमूव कर दूँगा, ठीक है। तो मैं देखिए इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे जो शॉर्टिंग है वो चला गया। तो आपको इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा। आप ऐसे ही चेक कीजिए, तो फिर आप कोई भी सेट का जो है, देखिए यहाँ पे बोर्ड शॉर्ट निकल गया है ना, और हम इधर अब चेक करेंगे यहाँ पे मीडियम शॉर्ट है कि नहीं, नहीं है। देखिए आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड शॉर्ट जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे निकल गया। जस्ट आपको यहाँ पे ऐसे ही दिमाग लगा के थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, आप सिर्फ ध्यान दीजिए, तो फिर आपका भी आप जो भी कोई भी सेट का जो है बोर्ड शॉट आप आसानी से निकाल सकते हो। फंडा यही है बोर्ड शॉट निकालने का। तो इस सेट के लिए तो मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद नहीं हो रहा है तो अब इधर से इधर भी आप यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है, तो आपका जो शॉर्टिंग है वो 100% सॉल्व हो जाएगा। सो फ्रेंड, इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ बताना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।